हमको काटा है बीजेपी, जिसको सींचे पौधा बड़ा है, फसल तैयार हुआ तो दूसरे लोग काटने, और खास करके झारखंडी और जो पिछड़ों के साथ ये जो बेईमानी किया, काफी तकलीफ है। जैसा आदमी इतना सीनियर आदमी काहे जाएगा, ये तो सोचने की बात है। सब लोग, आप लोग जानते हैं कि टिकट के लिए गए हैं, हम पब्लिक जानती है, सारे लोग जानते हैं, और उसी के लिए गए थे और ज्वाइन करवा करके नहीं दिए तो हम हट गए। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी राज। टिकट मिलने की आस में कांग्रेस में गए पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने आज कांग्रेस से अपना समर्थन वापस ले लिया है। हमारे साथ इस वक्त रामटहल चौधरी है बात करने के लिए। सर, आपका एसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत सर। पिछले दिनों कांग्रेस में आप शामिल हुए, टिकट मिलने की आस थी आपको लेकिन नहीं मिला, तो अब नाराजगी में आपने पार्टी छोड़ दी। हाँ, तो हम तो जिस ख्याल से गए, नहीं मिला, पब्लिक का दबाव पर हम गए थे और पब्लिक का दबाव हुआ कि नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, तो हम छोड़ दिए। ये बातें पहले हुई थी कि आपको टिकट मिलना है या नहीं मिला है, या तो टिकट अब यशस्वी सहाय को मिल गया। हमारे जैसा आदमी इतना सीनियर आदमी काहे जाएगा, ये तो सोचने की बात है। सब लोग, आप लोग जानते हैं कि टिकट के लिए गए हैं, हम पब्लिक जानती है, सारे लोग जानते हैं, और उसी के लिए गए थे और ज्वाइन करवा करके नहीं दिए तो हम हट गए। किनसे बात हुई थी सर, यहाँ पे किनसे बात हुई थी? यहाँ पर हम पर किसी से नहीं, यहाँ बहुत से कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और खास के मुस्लिम नेता बहुत अग्रेसिव इस बार, ज्यादा उन लोग पैरवी कर रहे थे जो वोटर है कांग्रेस के, हमारा आदमी नहीं कर रहे थे। कांग्रेस का ही वोटर लोग और मुस्लिम वर्ग हर जगह से वो लोग कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग कहा था कि हम आपको यहीं से लड़ना है, दूसरे पार्टी में नहीं जाना। कांग्रेस ने रामटहल चौधरी के साथ विश्वासघात किया? बिल्कुल विश्वासघात, इसको कहिएगा और क्या कहिएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अगला कदम क्या होने वाला है? नहीं, नेक्स्ट कदम अब अभी तो आप आगे फिर देखेंगे क्या होता है, चुनाव लड़ेंगे आगे, अभी कोई ऐसा भी डिसाइड। दूसरे पार्टी से संपर्क है? संपर्क लोग करते हैं मगर सोच समझ के, कि अब नया नया पार्टी बहुत सा है जिसका कोई जनाधार नहीं, वो भी आता है तो ऐसा चुनाव मजाक थोड़ी है, उससे अच्छा तो इंडिपेंडेंट लड़ना है। सर, इंडिपेंडेंट लड़ने की सोच रहे हैं? नहीं, 2019 वो समय गुस्सा था कि हमको काटा है बीजेपी, जिसको सींचे पौधा बड़ा है, फसल तैयार हुआ तो दूसरे लोग काटने, और खास करके झारखंडी और जो पिछड़ों के साथ ये जो बेईमानी किया, काफी तकलीफ है। पर क्या देख पा रहे हैं, चुनाव की स्थिति क्या है? रांची की बात करेंगे तो यशस्वी सहाय है इस बार मैदान में, दिग्गज कांग्रेस नेता की बेटी। अरे, दिग्गज रहने कहने से नहीं होता है, दिग्गज जनता के बीच में बनिएगा तब दिग्गज होगा, इसलिए अभी दोनों तरफ दोनों का वोटर नाराज है, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, दोनों का वोटर नाराज है और हर आदमी नाराज है। अब अंत में क्या होता है, फिर कौन कौन कैंडिडेट आता है, आपको नॉमिनेशन के बाद फिर रास्ता निकलेगा क्या होता है। अच्छा, यशस्वी सहाय ने आपसे मुलाकात की, आपसे आशीर्वाद भी लिया, तो आपका आशीर्वाद है? अरे भाई, देखिए वो बराबर से, हम लोग बराबर साथे चुनाव लड़े हैं, छोटे भाई के तरह हैं, आपसी कटुता कुछ नहीं, प्रेम से बात होती है, इसके पहले भी बात हुई। तो सवाल है कि जो कैंडिडेट रहता है, आज से नहीं, बहुत पुराना संबंध है तो मिलना जुलना तो होता ही है, ऐसा थोड़ी बात है। चुनाव एक अलग चीज है, संबंध, व्यक्तिगत संबंध एक अलग चीज है, मतलब मनभेद नहीं, मनभेद नहीं। अच्छा सर, जिस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान कर दिया कि आप कांग्रेस से समर्थन वापस ले रहे हैं, इसकी सूचना भी आपने दी थी पहले? देखिए, आदमी मिसगाइड नहीं हो, इसलिए बहुत से लोग कहते थे कांग्रेस, अब हमको कांग्रेस वाला कहे कि चलिए वहाँ प्रचार करने के लिए, तो पार्टी में रहते तो सभा जाना पड़ता, हम कह दिया भाई हम पार्टी में रहेंगे नहीं तो हम प्रचार करने जाए, तो ये को कंफ्यूजन वाला जो था सारे आदमी में, वोटरों में, मतदाताओं में, कि आप रहिएगा जाइए क्या कीजिएगा आगे, ये जो संशय था ये खत्म करने के लिए। क्योंकि आप पूर्व सांसद रहे तो ऐसे में अब आपका समर्थन किसको जा रहा है, क्योंकि आपका समर्थन जिनको मिलेगा कहीं ना कहीं वो मजबूत तो होगा, वो समय पर डिसीजन लेंगे, अभी नहीं। तो कांग्रेस पार्टी से नाराज पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया है, आगे उनका क्या कदम होना है? फिलहाल इस पर संशय बरकरार है, लेकिन जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।